वालेकुम आज आपके साथ मजेदार से काटे वाली छोलो की रेसिपी शेयर करने वाली छोले तो सभी अपने घर में बनाते हैं लेकिन इस रेसिपी को आपने जरूर ट्राई करना है बहुत ही यमी और बहुत ही मजेदार सी बनके तैयार होती है एकदम यूनिक सी और 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है तो यहाँ पे मैंने लिया है एक पतीली में दो कप पानी साथ में लिया है आधा किलो के बराबर उबले हुए चने जिसको मैंने पहले से ही उबाल के फ्रीज कर लिए थे मैं रमजानों के लिए अक्सर उबाल के पहले से ही फ्रीज कर लेती हूँ यकीनन आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे अब जैसे ही इसमें उबाल आने का टाइम आए आपने एक चम्मच लेना है तेल और वो इसमें ऐड कर देना है तेल आपने क्यों ऐड करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी अब यहाँ पे चार चम्मच मैंने लिया है इमली और उसको मैंने गुला के अच्छे से इसमें डाल लिया है अब यहाँ पे हम लेंगे कड़ी लीव्स और वो इसमें डाल के अच्छे से यहाँ पे इसको उबाल दे देंगे इसको आप देखेंगे 10 से 15 मिनट बाद इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा यहाँ पे हम शामिल करेंगे मसाले और वो भी बिल्कुल कम नमक लाल पसी हुई मिर्च और हल्दी बस सिर्फ इतने ही मसाले आपने ऐड करने हैं और इसको अच्छे से मिक्स करना है बहुत ही टेस्टी और इतनी आसान सी रेसिपी है इसको आपने जरूर ट्राई करना है और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी जैसे ही इसका उबाल आना शुरू हो जाए तो हम यहाँ पे छोलों को चेक कर लेंगे इसमें अगर कोई भी कसर आपकी बाकी रह जाए तो आपने इसको छोड़ देना है वैसे मैंने उसको उबाल लिए थे तो हमारे जो छोले हैं वो डन हो चुके थे अब यहाँ पे मैं बहुत ही मेन चीज ऐड करने वाली हूं वो है टोमेटो का पेस्ट जो कि हमने घर पर ही निकाल लिया था दो चम्मच के बराबर वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर इतना खूबसूरत आ रहा है कलर भी बेनतहा खूबसूरत आया है तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है अब सबसे मेन चीज हम इसमें ऐड कर रहे हैं जो कि सेकंड नंबर पे होती है वो है कॉर्नफ्लोर पानी आपने जो डाला है उसको अब आपने थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए हम यहाँ पे आधे कप के बराबर कॉर्नफ्लोर का मैंने गोल बना लिया था लेकिन आपने पूरा आधा कप नहीं डालना आपने इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करना है जैसे ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए बस आपने उसी वक्त इसको स्टॉप कर देना है और देखिए जबरदस्त ये हमारे छोले की तैयार हो गई है तेल डालने का मकसद ये था कि इससे हमारी जो छोले हैं वो शाइनी हो जाएंगे तो कैसी लगी आपको हमारी मजेदार सी काठे वाली छोले की रेसिपी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा रेसिपीज को शेयर कीजिए इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी मजेदार सी ऐसी रेसिपीज के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़